अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों ने बहुत तरह के प्याज और आलू के पकोड़े खाए होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने बैंगन के पकोड़े ट्राई नहीं किए तो आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को आपने फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपके भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप बेसन ले लिया, बाउल में इसे ऐड कर देना है। बेसन ऐड कर दिया, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया ऐड कर दिया, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिए, थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। पेस्ट जो है बनाकर तैयार कर लिया है। 3 अदद बैंगन ले लिए थे गोल गोल स्लाइसेस में, इन्हें कट कर लिया है। बैंगन की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पैन में 1 कप मैं घी ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बैंगन का स्लाइस लेंगे, बेसन के मिक्सचर में अच्छी तरह से इसे कॉट कर लेंगे। दोनों साइड से इसे अच्छे तरीके से कॉट कर लेना है, एक्स्ट्रा रिमूव कर लेना है। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़े के और क्रिस्पी बैंगन के पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दोनों साइड से 8-8 मिनट इन्हें फ्राई कर लेने। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। दोनों साइड से प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, ऑयल में से निकाल लिया। मज़ेदार से और क्रिस्पी बैंगन के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इंशाल्लाह अब मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।